नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं आप लोगों का पसंदीदा स्वराज का छोटा ट्रैक्टर स्वराज 855 FE। आप लोगों का पसंदीदा दोस्तों स्वराज कंपनी का सबसे ज़्यादा नाम जिस ट्रैक्टर ने बनाया है वो है स्वराज 855। नाम के लिए बिकता है ट्रैक्टर आज भी। सो 2023-24 में जो कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है आज हम उसी ट्रैक्टर को आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। और सामने से जो किसान भाई आपको दिख रहे हैं इनसे भी मिलवाएंगे, ये ट्रैक्टर इन्होंने कब परचेज किया, इस ट्रैक्टर को आप खरीदने के लिए कितना पैसा इनको लगाना पड़ा और इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे, सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले भैया से। और इस ट्रैक्टर को आज हम पूरे लोड पे चला के देखेंगे। पीछे जो है इसके 7 फुट का शक्तिमान का रोटावेटर लगा हुआ है जो सबसे ज़्यादा लोड लेने वाला रोटावेटर कहा जाता है। आज पूरे लीवर डाउन करके अगर कोशिश ये करेंगे कि इसके जो पट्टे हैं वो पूरा जो है लोडिंग निकाल ही दें, ठीक है। पूरा लोड पे ट्रैक्टर को चला के देखेंगे और भाई ने भी खुला छूट दे दी है, भाई जैसे मर्जी चलाना चला लो, बिल्कुल नया ट्रैक्टर फ्रेश एकदम, ठीक है। सो बात करते हैं किसान भाई से। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह सर। गाँव का नाम क्या है? शेखुपुर किशन नगर। शेखुपुर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सिंह भाई आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हमें हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए बताएं कि ये जो ट्रैक्टर है ये आप कब लेकर के आए? सर 26 जनवरी को लिया था। अच्छा जी जी, हाँ 26 जनवरी को लेकर के आए, तो अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है। अच्छा बात करें स्वराज ट्रैक्टर से पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर? 735 था FE। हाँ जी ठीक है। वो आपने कितने साल चलाया? 5 साल चलाया। 5 साल जी। सभी तरह के काम पे चलाया होगा? सभी, ट्रॉली पे, ट्रॉली सब चीज सब पे चलाया, ठीक है। तो उसका जो तेल का खर्चा था वो कैसा था? वो मतलब बढ़िया था या? हाँ बढ़िया था, कंटिन्यूमीटर पे आधा का खाता था, आधा लीटर, बढ़िया माइलेज का मतलब। तो अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं जैसे 5 साल आपने चलाया, उसका अनुभव आपने मतलब अनुभव बढ़िया ही रहा होगा तभी तो दोबारा से स्वराज के ट्रैक्टर लेकर के आए हैं। अगर कुछ कमी पेशी होती तो आप और कंपनी पर जाते, स्वराज को क्यों लेते, है कि नहीं? तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा हमें ट्रैक्टर के बारे में बताओ कि इस ट्रैक्टर को लेने के पीछे क्या वजह थी। भाई देखो ट्रैक्टर आपने दूसरा चेंज कर रहे थे जी, तो ऐसा तो दिमाग में सबके आता है कि भाई क्यों ना एक बार दूसरी कंपनी का ट्राई कर लें, स्वराज का चला के तो देख लिया जी, अब एक बार क्या पता कुछ किसी और कंपनी का देख लेते हैं, तो ऐसा दिमाग में नहीं आया? अरे नहीं, हमारे मन में यही बसा था। अच्छा हाँ, स्वराज, स्वराज ही बसा हुआ। हाँ हमारे लोग बागों ने और ने कहा और दूसरा ले लो, पावर ट्रक ले लो, सोनाली का ले लो, तो हमने कही जय हमें चलाया है तो जय चलाएंगे। अच्छा हाँ जय बड़ी। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि आप लोगों के तरफ में स्वराज के ट्रैक्टर ही ज़्यादा चलते हैं जी, स्वराज ही ज़्यादा चलता है पूरे एरिया में, स्वराज 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 जी जी, और कंपनी बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। तो ये क्या कारण है, स्वराज पे लोग क्यों ज़्यादा भरोसा करते हैं बताएं थोड़ा सा हमें, कुछ तो कारण है। स्वराज के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो और कंपनी के ट्रैक्टरों में नहीं मिलती? और ये मौसम नहीं बिगाड़ता है, कोई कितना भी गन्ना भर लो खेत में ही 50 क्विंटल उसे कुड़िन में ले आओ, 50 क्विंटल आराम से लेके चला कुड़ी में लेके आओ, गीले बेड़ा कुड़ी हो कैसी हो। अच्छा अच्छा, और दोस्तों ये तो खास बात है स्वराज के अंदर में, जितना मर्जी आप लोड लगा लो ट्रैक्टर बिल्कुल बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति परिस्थिति में, ट्रैक्टर पे कितना वजन है, पीछे ट्रॉला लगा हुआ है या पीछे कल्टीवेटर रोटावेटर कुछ भी लगा हुआ है, ट्रैक्टर बंद नहीं होता है, चाहे थोड़ा सा तेल ज़्यादा मार देता है। ये तो है थोड़ी सी, लोगों को कुछ लोगों को ये कमी लगती है कि भाई तेल ज़्यादा खा लेता है, भाई तेल अगर ज़्यादा ले रहा है तो काम भी तो कर रहा है, जैसा काम लोगे तैसा ही खाएगा भाई, जैसा काम लोगे वैसा डीजल खाएगा। अब हम सोच के देखो अगर 35 HP के बराबर काम लोगे तो थोड़ी ना 55 का तेल खाएगा, तो 35 के बराबर ही तेल खाएगा ना। मान के चलो इस ट्रैक्टर पर अगर हम 9 का कल्टीवेटर चलाएं तो कितना खाएगा तेल, आपको कितना खाएगा, आपको क्या लगता है बताओ थोड़ा सा? अरे 900 ग्राम बताते हैं वैसे खा जाता है। अगर 9 के कल्टीवेटर पे हम पूरा गहराई लेके चलें जी तो 800-900 ग्राम ही खाएगा। हाँ जी जी ठीक है, और 11 का चलाएंगे तो 1 लीटर खा लेगा जी जी, 100 थोड़ा ऊपर खा लेगा और क्या, यही तो खाएगा बस। हाँ जी, अब लोग हवा बनाते हैं भाई डीजल बहुत खाता है, तेल ज्यादा खाता है, भाई तेल ज्यादा खाता है तो काम भी तो करता है, जैसे काम लोगे इंजन की लाइफ भी तो मैटर करती है कि भाई इंजन की लाइफ किसकी ज्यादा बढ़िया है ना, टूट फूट किसमें कम होती है। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, आप जो सेंटर गियर में ट्रैक्टर लेकर के आए हैं इसकी वजह थोड़ा मुझे बताओ ये क्यों लेकर के आए, वैसे तो साइड गियर में भी आने लगे, साइड गियर में बहुत से लोग हमारे मिलने वाले हैं वो कहते हैं हिलकते हैं फंसते हैं। हाँ फंसते हैं, तो इसलिए हमें अच्छा। पहले बात यही पसंद है बीच वाले गियर का। अच्छा अपने ये यही चलाया जाता जी जी। अच्छा ठीक है, अपने अपने देखो पसंद की बात होती है। दूसरा उस ट्रैक्टर में आपको लो हाई मीडियम मिल जाता है, इसमें केवल लो हाई मिलता है, तो आपने लो हाई चलाया है तो लो हाई पे भी मना नहीं रहता है, नई चीज़ आदमी को लगता है यार ले तो आए भाई 8 लाख रुपए डाल दिए और मन में बसा नहीं, मन में बसा नहीं, बाद में दिक्कत होने लगी, तो उससे क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ लो जिससे कि एक बार लेने के बाद पछताना ना पड़े, है कि नहीं।
तो ये है। दूसरा ये चीज मैंने भी देखी है कि भाई सेंटर गियर में ट्रैक्टर जो है पावर ज्यादा कर देता है, ज्यादा लगा देता है, ताकत ज्यादा लगा देता है ना, चाहे ट्रॉला पे हो या चाहे कल्टीवेटर पे हो, इसके जो पीछे के जो गियर होते हैं ना, जो गियर होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैक्टर ज्यादा पावर निकाल देता है, ज्यादा पावर लगा देता है। अब साइड गियर में क्या होता है, गरारी छोटी होती है, इसके वजह से टूट फूट का भी संदेशा रहता है और कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पावर कम लगाता है थोड़ा सा, ठीक है। सो बाकी अगर और कुछ, अगर ट्रैक्टर की विशेषता, ट्रैक्टर की खास बात अगर बताना चाहे इस मॉडल के बारे में, आपको बढ़िया लगा, जैसे पुराना मॉडल था 855 का, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपको ये अच्छा लगता है या वो वाला अच्छा लगता था? नहीं, हमें तो जैसे जे अब ले आए तो जे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, जैसे 855 का पुराना वाला मॉडल, लोग कहते हैं कि भैया हमें तो पुराना वाला अच्छा लग रहा है, ये कंपनी ने क्या लॉन्च कर दिया। अब इसे भी चला के देख रहे हैं तब पता लगेगा। अभी वैसे इंजन तो वही है, इंजन तो वही है, इसमें भी और उसमें भी वही इंजन है, लेकिन बस क्या है, जो बॉडी है वो थोड़ी सी ऊंची कर दी है, जी जी, बदल दी है। तो ये आपको अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लगा। आपको अच्छा लग रहा, बढ़िया है। देखो दोस्तों क्या है कि आप हमें देखो, अगर कंपनी कुछ नया कर रही है तो हमें भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है। कंपनी बहुत रिसर्च करती है, उसके बाद ये चीज़ें लेकर के आती है, हम लोग को थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें आदमी स्वीकार करता है, एकदम से कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो आदमी का मन ऐसी करता है कि अरे क्या ये क्या आ गया, ये इसमें क्या कर दिया, पहले वाला बढ़िया था, ये थोड़ा बहुत तो होता ही है। बाकी अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहता है और अभी दुविधा में है कि भाई कौन सा लें कौन सा ना लें, तो आपके हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर लेना सही रहेगा, अगर वो एक मध्यम वर्गीय किसान है? हमारे चाचा ने भी 44 ट्रैक्टर लिया है अभी, वो भी नया मॉडल है। अच्छा, वो भी स्वराज चलाते हैं शुरुआत से ही, और कोई ट्रैक्टर नहीं चलाया उन्होंने? नहीं, वो पहले भी स्वराज चलाया उन्होंने 44, अब ये नए मॉडल आ गए तब बदल दिया उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है, मतलब स्वराज के ही फैन ज्यादा तो लग रहा है मुझे दादा है। हाँ, फैन। ठीक है, स्वराज के अलावा कोई ट्रैक्टर नहीं आता इधर जी। सो दोस्तों देख सकते हैं, और स्वराज की ही आप बोलेंगे अगर कोई लेना चाहे तो भाई स्वराज ही ले, हम तो यही कहते हैं सबसे स्वराज, या 855 ले, 735 ले, जो मर्जी ले। अब तो देखो सभी जो नए मॉडल हैं 35 भी 44 भी इसी बॉडी में आ गए हैं ना। हाँ जी। सो दोस्तों ये है, बाकी का अभी हम इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अभी ज्यादातर जो ट्रैक्टर को आप चलाते हैं कितनी रेस पे चलाते हैं, कौन से गियर में चलाते हैं, रोटावेटर पे? हम तो दूसरे लोहाई में चलाते हैं, सिंगल करते हैं तो दूसरे लोहाई में, दूसरे के लो में चलाते हैं। हाँ जी। और रेस कितनी रखते हैं? रेस 16 की, 16 पे रखते हैं। बढ़िया काम कर देता है, बढ़िया काम हो, किसी का बढ़िया काम होना होगा तब कैसे पैसा दे दे। बिल्कुल बिल्कुल, आराम के पैसा नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अभी जो ट्रैक्टर है वो एक किसान भाई का खेत है, ठीक है, ये किराए पे हम लोग जोतने आए हैं, थोड़ा मजूरी पे, ठीक है, समझ लो आप। तो पीछे रोटावेटर लगा हुआ है, शक्तिमान का रोटावेटर है, सबसे ज्यादा पावर लेने वाला, सबसे ज्यादा जान ट्रैक्टर के गुर्दे फाड़ देता है ये रोटावेटर, ठीक है, अच्छे अच्छों के ना ढीले कर देता है पुर्जे। इस ट्रैक्टर को आप 1700 आरपीएम पे चलाना और पहले के लो में चलाना, हम तीन चक्कर चला के देखेंगे, बाकी का फिर अपने आप चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खेत है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये गन्ने का खेत है और ये हैरों से केवल जुदा हुआ है, सिंगल जी जी। सिंगल या दोबड़ हुआ मेरे ख्याल से, सिंगल, हाँ सिंगल हैरों से जुदा हुआ है। और अभी हम इसको जोतने आएंगे तो पहला जो चक्कर आप लेंगे पहले के लो में जी जी 1700 आरपीएम पे, दूसरा दूसरे के लो में, ठीक है, पहला चक्कर इस पे और दूसरा चक्कर फिर इसी पे। ट्रैक्टर लोड लेगा बंद होकर, क्योंकि जब पहला दूसरी बार चलता है ना तो लोड लेके चलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये ट्रैक्टर दूसरी बार में बंद होगा या तीसरी बार में बंद होगा नहीं होगा चेक करेंगे, बंद होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। फटाफट बैठ जाओ और पूरे लीवर डाउन करो और 1700 आरपीएम करो, ठीक है। देखो दोस्तों लीवर पूरे डाउन दिखा दे रहा हूँ आपको, लीवर पूरे डाउन है, ठीक है, और रेस करो 1700 करना, 1700 क्या ना, बस बस ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 1700 आरपीएम है, लीवर पूरे डाउन है और दो चक्कर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद गियर बदल देना दूसरे के लो में, ठीक है, पहले के लो में है पहला चक्कर, चलो ले छोड़ दो। दोस्तों देख सकते हैं पूरे लीवर डाउन है और लीवर में आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे पूरे लीवर डाउन है, कोई लोड नहीं कर सकते, इसी पर लेके आना उस पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई लोड नहीं कर सकते, इसका लोड नहीं कर सकता है, एक दम बराबर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एकदम। दूसरे के लो में आप दोस्तों चल रहा है, दूसरे में इसी पे बंद नहीं होना चाहिए,
दोस्तों देख सकते हैं ट्रैक्टर थोड़ा सा आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। आरपीएम कितने गिर रहे हैं, आरपीएम कितने गिर रहे हैं, कितने आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं? क्लच छोड़िए जरा, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो। दोस्तों देख सकते हैं आरपीएम भी कोई ज़्यादा ड्रॉपेज नहीं है, मात्र बहुत कम आरपीएम ड्रॉपेज है, केवल 50 आरपीएम तोड़ के चल रहा है ना। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये दूसरे के लो में चल रहा है और आरपीएम 1700 हमने रखे थे, केवल 50 आरपीएम तोड़ के चल रहा है ट्रैक्टर। और रोटावेटर जो है सबसे ज़्यादा लंबी खुरपी होती है शक्तिमान के रोटावेटर की, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं लीवर आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त स्वराज 855 पूरे लीवर डाउन करके शक्तिमान के रोटावेटर पे पूरा देख सकते हैं दोस्तों, गजब की परफॉर्मेंस।